देखो हमने भी हम बात करने वाले हैं डिसऑनर ऑफ बिल के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई डिसऑनर ऑफ बिल होता क्या है ना। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी क्रेडिटर अपने पैसे लेने के लिए जाता है डेटर के पास, है ना। क्रेडिटर क्या करता है, अपने पैसे लेने के लिए जाता है डेटर के पास मैच्योरिटी डेट पर, है ना। तो जो डेटर होता है वो कहता है यार पैसे तो है ही नहीं, है ना। पैसे नहीं है इसका मतलब क्या कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, है ना। अब इस केस में दो दो बातें हो सकती हैं। या तो डेटर को पहले से पता है कि वो पैसे नहीं है उसके पास, वो उस बिल को रिन्यू करवा सकता है, वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे। यहां पर क्या है कि इंसॉल्वेंसी के कारण डेटर जो है वो रिफ्यूज कर रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, है ना। देखो होता क्या है इसमें, भाई क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर है। क्रेडिटर ने क्या किया भाई, क्रेडिटर को इसने डेटर ने बोला था कि भाई आप जब भी मैच्योरिटी डेट पर आओगे ना, मतलब 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब भाई क्रेडिटर ने क्या किया था, इसके हमने अलग अलग केस पढ़े थे अभी, है ना। तो देखो ये जो क्रेडिटर होता है भाई, ये क्या करता है, मैच्योरिटी डेट वाले दिन इसके पास जाता है और इससे कहते हैं लाओ भाई मेरे पैसे दे दो बिल के, है ना। तो ये कहते हैं कि भाई देखो मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं पैसे दे ही नहीं सकता हूं, है ना, इंसॉल्वेंसी की वजह से। ये कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, है ना। अब भाई डेटर जो क्रेडिटर है उसको समझ ही नहीं आता क्या किया जाए, अब ये पैसे दे नहीं पा रहा है, अब मैं क्या करूं भाई, मेरे को तो पैसा चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये नेगोशिएबल एक्ट के अंदर कवर होता है ना। तो अब क्या होगा कि भाई ये जो डेट क्रेडिटर है ये बिल लेकर जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। अब ये नोटरी पब्लिक कौन होते हैं भाई, ये नोटरी पब्लिक वो होते हैं जो कोर्ट के बाहर बैठते हैं, है ना। और ये क्या करेगा भाई, इसके पास लेकर जाएगा और ये क्या करेंगे, इसे बिल पर नोटिंग करके देंगे। किस चीज की नोटिंग करेंगे, ये नोटिंग करेंगे भाई कि आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, है ना। अब ये नोटिंग क्या करेंगे, रीजन करेंगे भाई किस वजह से डिसऑनर हुआ है, ठीक है, हमने कितना चार्ज लिया इसको डिसऑनर करने के लिए, और मतलब कि किस डेट पे डिसऑनर हुआ है, इसको बोलते हैं कि इन्होंने नोटिंग किया है। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, ये जब तक ये नोटिंग करके नहीं देंगे ना तब तक बिल डिसऑनर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब ये फ्री में तो काम करेंगे नहीं भाई, हमने कहा कि भाई देखो हमारा बिल जो है डिसऑनर हो गया, आप इसे कर दो, तो ये भी तो बोलेंगे भाई पैसा दो, बिना पैसे कौन काम करते है ना। तो ये जो पैसा लेंगे उस पैसे को बोलते हैं नोटिंग चार्ज, है ना। नोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, नोटिंग चार्ज वो चार्ज होता है जो नोटरी पब्लिक लेती है। अब नोटरी पब्लिक किसके लिए लेगी, बिल को नोटिंग करने के लिए। अब बिल क्या नोट किया उसने, उसने कहा कि भाई आपका बिल जो है वो इस वजह से डिसऑनर हो गया है, इस डेट को हुआ है और इतना चार्ज हमने लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने पहले भी पढ़ा था, ये देखो ये नोटिंग चार्ज है और एक डिस्काउंटिंग चार्ज होता है ना। डिस्काउंटिंग चार्ज और नोटिंग चार्ज में क्या फर्क होता है भाई, ये डिस्काउंटिंग चार्ज और नोटिंग चार्ज में ये फर्क होता है कि डिस्काउंटिंग बैंक लेती है, डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक लेती है, नोटिंग चार्ज नोटरी पब्लिक लेती है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। और ये बिल के डिसऑनर होने से पहले की बात है और ये बिल डिसऑनर होने के बाद की बात है, बात समझ में आ रही है। मतलब ऐसे मत सोचना कि भाई ये दोनों के दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है ना।